विटिलाइगो या पुलवेरी, दैट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसके अंदर वाइट धब्बे या पैचेस बन जाते हैं बॉडी पे. उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है. जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि डायबिटीज या शुगर का जो मर्ज है उसका कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है. जब वो डायग्नोज होता है आप इंसुलिन लेते हैं, गोलियाँ लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं या बेहतर करते हैं. सो बेसिकली द वर्ड इज कि आप उसको कंट्रोल करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कंट्रोल दिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर. इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं जिसको रेकमेंड करती हूँ, जैसे डिफरेंट तरह के लाइट ट्रीटमेंट्स हैं, लेज़र्स हैं, वो सब लेने से पहले जिसमें आप बीमारी को कंट्रोल करते हैं, आई लाइक टू इंजेक्ट दोज वाइट एरियाज विद योर ओन स्टेम सेल्स. आपकी बॉडी के स्टेम सेल्स को मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि इट्स लाइक गुड गाइज हैव बीन पुर इन टू दोज एरियाज वेयर देयर आर बैड बॉयज एंड देयर गोइंग टू फाइट द बैड बॉयज. सो स्टेम सेल्स को हम हार्वेस्ट करेंगे ग्राफ्ट्स के अंदर से, और ग्राफ्ट आप खुद आपकी बॉडी में से निकाले जाएंगे, फिर मशीन में डाला जाएगा, मशीन स्टेम सेल्स निकालेगी और उन स्टेम सेल्स को मैं आपके वाइट पैचेस वाले एरिया में डाल दूंगी. और आफ्टर 3 मंथ्स आप अपना लाइट ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं. स्टेम सेल्स डालने से आपका लाइट या लेज़र ज़्यादा बेहतर तौर पे असर करेगा, रिजल्ट्स जल्दी आते हैं. दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ लेटेस्ट ट्रीटमेंट टू कंट्रोल विटिलाइगो. दीजिए मुझे. Oh, 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 o